सांसद प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ऐतिहासिक विजय हाई स्कूल की बदहाली पर चुप क्यों? ऐतिहासिक स्कूल की लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता ने सुंदर नगर में पत्रकार वार्ता में तंज कसते हुए कहा, सरकारें बदलती है, भ्रष्टाचार वही रहता है। सुंदरनगर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता राहुल गांधी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आश्वासन के बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ। यह कहना है मंडी के ऐतिहासिक विजय स्कूल और यू पब्लिक ब्लॉक की लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता रजनीश शर्मा ने सुंदरनगर में सोमवार को पत्रकार वार्ता करते हुए वर्तमान सुक्खू सरकार और मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि ये दोनों इतने बड़े मुद्दे पर चुप क्यों? क्या पिछली सरकार की तरह यह सरकार भी आरोपियों को बचाने में मदद मंडी की लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि वो इसमें कांग्रेस पार्टी की राज्य की अध्यक्षा है, वो इसमें दूसरी बार मंडी से सांसद बनी है और एक महिला है, क्या उनको ये कन्या विद्यालय जो एक ऐतिहासिक विद्यालय है, क्या उनको इनके बच्चों से कोई सरोकार नहीं? क्या गरीबों के बच्चों से उनको सरोकार नहीं? वैसे तो नारा लगाती हैं, चुनावों के समय में यहां आती हैं, नारा लगाती हैं कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन इस मामले में कांग्रेस का हाथ भी मंडी में सिर्फ ठेकेदार के साथ है, जिस प्रकार से भाजपा का हाथ भी ठेकेदार के साथ था। राहुल गांधी जी ने भी जब हिमाचल प्रदेश सरकार को आदेश दिए तो भी अब तक इस मामले में आखिर क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है? और कांग्रेस की जो अध्यक्षा है प्रतिभा सिंह, वो तो मंडी से सांसद है, उनकी तो जिम्मेवारी बनती है। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पर भी प्रतिभा सिंह जी का दबाव कोई है, क्योंकि मंडी से संबंध रखती है प्रतिभा सिंह जी, सांसद हैं यहाँ की, तो उनके दबाव के चलते शायद सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस मामले में इस डीकेएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ जो है वो वहां पे कोई आदेश पारित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें अनिल शर्मा की भी मिलीभगत पहले से सामने आई है। तो अनिल शर्मा जी बार बार मीडिया के सामने ये कहते हैं कि अनिल शर्मा का कहना है कि उनकी जो है इस कांग्रेस सरकार के साथ भी अच्छी पुरानी एक दोस्ती है। यह चाहिए था, नियम से कायदे से यह होना चाहिए था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और सरकार तुरंत इस मामले में वहां पे बच्चों की पैरवी करती, गरीबों के बच्चों के साथ उनके प्लेग्राउंड को, उनके प्लेग्राउंड को बचाने के लिए वहां कोई पॉलिसी बनाती, स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंतर्गत वहां पे लाती। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने जो स्वतः संज्ञान लिया था बच्चों की शिकायतों पर, उसमें एप्लीकेशनों में ये लिखा गया था कि मंडी के बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी और भाजपा के नेताओं की आपसी मिलीभगत है और उन्होंने आपसी मुनाफे के चलते वहां स्कूल बेच दिया है। और इस एप्लीकेशन पर आज भी ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार, मंडी की कांग्रेस पार्टी, मंडी प्रशासन सभी इस मामले में चुप्पी साध कर बैठे हैं। शायद सबको एक एक दुकान वहां चाहिए, बच्चों को शिक्षा से उनको कोई सरोकार नहीं और गरीबों के बच्चे खेल सकें इससे भी उनको कोई सरोकार नहीं। मेरी मांग है आपके माध्यम से कि जो सड़क वहां पे टूटी है उसमें यू मॉल और डीकेएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ साथ जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मंडी है और मंडी के प्रशासन के खिलाफ जो है वो एक FIR दर्ज करवानी चाहिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से उम्मीद लगाए बैठे थे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी न्याय करेंगे, लेकिन ये मंडी का घोटाला जो है, मंडी में कांग्रेस पार्टी भी इसीलिए हारी थी। मंडी में प्रतिभा सिंह जी ने चुनावों के समय में वो आती हैं और मंडी में कांग्रेस पार्टी का हार का मुख्य कारण प्रतिभा सिंह जी हैं और इस स्कूल में बच्चों का साथ ना देने की वजह से अगला चुनाव भी सिर पर है। तो इसलिए उनको समझना चाहिए कि मंडी के लिए अभी उनके कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किए हैं, कोई उपलब्धि उनकी नहीं है और ये बच्चों के स्कूल को उजाड़ने में भी कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति प्रतिभा सिंह जी की है। कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, सरकारें बदलती रहती हैं, चेहरे बदलते हैं, लोग वही होते हैं और भ्रष्टाचारी उनके पीछे वैसे ही अपने भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। तो आपकी जयराम ठाकुर जी के जाने के बाद हमें बहुत उम्मीद थी, जयराम ठाकुर जी ने यह फैसला लिया था, हमें बहुत उम्मीद थी, उन्होंने 1000 से ज्यादा जो चीजें नोटिफाई की थी उनको भी सरकार ने बंद किया। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो उम्मीदें हिमाचल प्रदेश के लोगों को थी वह फिलहाल मौजूद सामने नहीं आ रही। विजय हाई स्कूल मंडी का, छोटी काशी मंडी का एक ऐतिहासिक धरोहर है, सभी जानते हैं कि विजय हाई स्कूल 1860 में मंडी के राजा के द्वारा दान में दी गई जमीन जो शिक्षा के पर्पज के लिए दी गई थी उस पर बना है। मंडी के हर बच्चा, हर व्यक्ति उसी स्कूल से पढ़ा है। शर्म की बात है कि पूर्व सरकार ने, इससे पहले की सरकार ने स्कूल को जो भूमि थी वहाँ पार्किंग और शॉपिंग मॉल बनाने की इजाज़त दी, जिसमें मंडी के विधायक अनिल शर्मा की पूर्ण रूप से मिलीभगत थी, क्योंकि वो विधायक थे, उन्होंने इसका अनुमोदन किया। उसके बाद जयराम ठाकुर जी ने भी उनकी बात मानी और वहाँ स्कूल में पार्किंग जो थी वो बनाने का और शॉपिंग मॉल बनाने का अनुमोदन किया। हैरत की बात यह है कि शॉपिंग मॉल जो बना रहा था वह ठेकेदार जो है वो अनिल शर्मा जी ने कहा कि वो उनका रिश्तेदार है,
उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स में कहा कि उनका रिश्तेदार को, अपने ही रिश्तेदार को ठेका दे दिया। अब उसमें किसकी मिली भगत है, किसकी नहीं मिली भगत है, लेकिन राजा के द्वारा जो दान में जमीन दी गई थी, जो शिक्षा पर्पज के लिए दी गई थी, उसको बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता। स्कूल परिसर के साथ खेल परिसर का होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी भी पूर्व के भाजपा नेताओं की तरह, पूर्व की भाजपा सरकार की तरह ही इसमें, जैसा भी उन्होंने पहले से कहा, जैसा भी जिस प्रकार से भाजपा ने कार्य किए, उसी प्रकार से कांग्रेस और भाजपा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये नेता बिल्कुल आपस में चेहरे बदलते हैं, सरकार बदलती है, लोग सोचते हैं कि जो है कुछ न्याय होगा। अभी हाल ही में 5 दिन पहले स्कूल के सामने की जो सड़क है वो सड़क गिर गई है, वहां पर यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में एडमिट हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय से मंडी जिला प्रशासन या हिमाचल प्रदेश सरकार के जो शिक्षा विभाग है, अन्य विभाग हैं, वो किस प्रकार से, आप देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से उनको कोई भी डर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, किसी ने भी अभी वहां कार्य को रोकने की कोई कोशिश नहीं की है। सड़क वहां पर गिरी, ये सड़क पहली बार नहीं गिरी, इससे पहले स्कूल गिरा तो भी मंडी की जनता अपने घरों में दुबकी रही। कोई विधायक के साथ मिली भगत में शामिल थे, कोई कांग्रेस के साथ मिली भगत में शामिल थे, कोई भाजपा के ठेकेदारों के साथ मिली भगत में शामिल थे। आज फिर से सड़क गिरी है, और वो सड़क जब वहां सामने से गिरी, वो सड़क में जो ठेकेदार कंस्ट्रक्शन कंपनी डीकेएस और यू मॉल लिमिटेड, वहां पे जो है अवैध जमीन पर जो है वो कब्जा जारी है। उन्होंने सड़क की जमीन को भी तोड़ दिया, जबकि प्लेग्राउंड वहां पे बना। सुंदरनगर से आपका फैसला के लिए अशोक ठाकुर की रिपोर्ट।